ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया है जवाब। रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर दायर किया गया है जवाब। आपको बता दें, ईडी ने कहा है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा और हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं। ईडी ने ये जवाब दिया है, ये जमानत पर अपना जवाब दायर किया है, जिसमें ये कहा है ईडी ने कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। हालांकि लगातार ईडी पूछताछ कर रही है रॉबर्ट वाड्रा से, लेकिन अब यहां पर ईडी ने जो जवाब दाखिल किया है उसमें ये कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा यहां पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है ईडी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार ईडी हालांकि पूछताछ कर रही है रॉबर्ट वाड्रा से, लेकिन जिस तरीके से सहयोग करना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा का, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर अग्रिम जमानत पर जवाब दाखिल किया गया है, क्योंकि लगातार जो जमानत है वो बढ़ रही है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से याचिका दाखिल की जा रही है जमानत को लेकर। ऐसे में कोर्ट ने भी ये जमानत बढ़ा दी थी, गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई थी। और ऐसे में एक बार फिर से इस पर जो ईडी ने अपना जवाब दिया है कि हमें पूछताछ करनी है, हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है, ऐसे में हमें आगे जांच को बढ़ाना है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, इसलिए ज़रूरी है कि हिरासत में लिया जाए और फिर पूछताछ की जाए, क्योंकि अभी तक रॉबर्ट वाड्रा लगातार पूछताछ उनसे हो तो रही है और जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं हो रही है। क्योंकि लगातार जो अगर अग्रिम जमानत की बात करें, इसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से याचिका भी दाखिल की गई थी, और उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि अग्रिम जमानत यानी कि अभी जमानत नहीं, जमानत आगे बढ़ाई जानी चाहिए और गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी। तो ऐसे में ये बार बार डेट बढ़ रही थी, और आज अगर की बात करें तो इसमें ईडी ने अपनी ओर से ये जवाब दाखिल किया है कि हमें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी होगी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं। इंद्रसेन यादव संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। इंद्रसेन, किस बात पर ईडी ने कहा है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से तो लगातार बहुत लंबी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है, तो ऐसे में कहां सहयोग नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, और ईडी क्या कह रहा है? देखिए, बता दो, जिस तरह से लगातार रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो ईडी का शिकंजा है वो कसता जा रहा है, और लगभग 6 से 7 बार रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुंच चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ये आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग कर लंदन में एक अघोषित संपत्ति बनाई है जिसकी कीमत तकरीबन 19 लाख पाउंड। इसी पूरे मामले में जो ईडी का शिकंजा है वो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कसता जा रहा है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और अपनी जो उनकी एंटीसिटेटरी बेल है वो बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की जो पटियाला हाउस कोर्ट है उन्होंने ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें ईडी ने आज कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, और ईडी ने साफ किया है कि रॉबर्ट वाड्रा को वो कस्टडी में लेना चाहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा इस पूरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट आगामी 25 मार्च को सुनवाई कर सकता है। जी, तो यानी कि अभी इंद्रसेन ये कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि लगातार जैसे रॉबर्ट वाड्रा अपना पक्ष रखते आ रहे हैं, तो फिलहाल ईडी की तरफ से ये है कि बिना हिरासत में लिए पूछताछ आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से जब भी ईडी ने पूछताछ की है वो ईडी ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुंचे जरूर हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने एक सिरे से खारिज कर दिया था कि लंदन में उनकी किसी तरह की संपत्ति नहीं है, और लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाती रही है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी जो है जो सरकारी संस्थाएं हैं ईडी सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। और अब जो ये बात निकलकर सामने आई है, ईडी का ये कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा को कस्टडी में लेने की जरूरत है क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आगामी 25 मार्च को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकती है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है और ना ही उनकी लंदन में कोई संपत्ति है। और लेकिन जो ईडी ने मामला दर्ज किया है वो पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है पूरा, उसके तहत ईडी ने मामला दर्ज कर रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछ कर रही है। तो अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को ईडी हिरासत में लेती है तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक माहौल है वो जरूर बिगड़ सकता है। शुक्रिया इंद्रसेन ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या वाकई यहां पर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि अगली सुनवाई अब आगे है, और ऐसे में अब कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। हालांकि ईडी लगातार ये कह रहा है कि
सहयोग नहीं कर रहे। उधर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस से कुछ लेना देना नहीं है। तो रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत की बात की जा रही थी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने अपना पक्ष रखा था लगातार, और इसी वजह से ये सुनवाई भी में लगातार ये बात सामने आ रही थी कि फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उधर अगर ईडी की बात करें तो ईडी का ये कहना है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, इसे हिरासत पे लिया जाना चाहिए।